नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप सजवान और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड यानी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम और मोस्ट टैलेंटेड सिंगर करण औजला के जीवन से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी बातों के बारे में, उनकी कंट्रोवर्सीज और उनके रियल लाइफ स्ट्रगल के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस ला सकूँ। दोस्तों, आज के समय में करण औजला की गिनती टॉप 10 पंजाबी सिंगर्स में होती है और ये कैसे सिंगर है जो अपने गाने खुद ही लिखते हैं। यही नहीं बल्कि ये और भी कई सारे पंजाबी सिंगर्स के लिए गाने लिखते हैं, जिनमें शामिल है दीप जंडू, दलजीत दोसांझ, एमी विरक, जस्सी गिल, दिलप्रीत ढिल्लो और एली मंगत आदि। दोस्तों, भले ही आज के समय में करण औजला की गिनती टॉप 10 पंजाबी सिंगर्स में होती हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब इन्हें इनकी लुक और इनकी आवाज के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था। कई लोगों का तो ये था कहना था कि इन्हें सिर्फ गाने लिखने चाहिए और सिंगिंग फील्ड में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि करण औजला की आवाज एक सिंगर के रूप में सही नहीं है। करण औजला ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनके शुरुआती 2-3 गाने रिलीज हुए थे तो कुछ लोग उन्हें कमेंट्स में काफी भरा बुला लिखा करते थे, जिसे काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते थे, लेकिन उन्हें उनके दोस्तों और फैमिली मेंबर्स ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, जिस कारण वे ये सब भूलकर आगे बढ़ते गए और यही कारण है कि आज इतने बड़े सुपरस्टार है। दोस्तों, करण औजला का असली नाम जसकरण सिंह औजला है और उनका जन्म 18 जनवरी 1997 को लुधियाना शहर के गुराला गांव में हुआ था, जो कि खंडे से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके पिता का नाम बलविंदर सिंह औजला और माँ का नाम राजिंदर कौर था। जब करण औजला केवल 9 साल के थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद इन्हें इनकी 2 बड़ी बहनों और इनके चाचा ने मिलकर पाला था। दोस्तों, करण बताते हैं कि इनके पिता बलविंदर सिंह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम किया करते थे और उन्हें भी लिखने का काफी शौक था और इन्हीं को देखकर करण औजला के मन में भी गाने लिखने का शौक जाग उठा और उसके बाद इन्हें जब भी टाइम मिलता था तो कुछ ना कुछ लिखते रहते थे और कभी कभी तो ये अपने लिखे हुए गानों को अपने सिस्टर्स और अपने दोस्तों को सुनाया करते थे और वे भी इनके लिखे हुए गानों की काफी तारीफ किया करते थे। दोस्तों, करण औजला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई श्री गुरु हरिगोबिंद सिंह स्कूल मंजी साहिब से पूरी की थी और जब केवल ये 9 साल के थे तभी से ये गाने लिखने में काफी एक्सपर्ट हो गए थे। एक बार जब ये अपने दोस्त की बहन की शादी में गए थे तो वहां पर इन्होंने एक गाना गाया था जिसका नाम था थल्ले मेरी रेंज है ते अख बाज नालो तेज है। जब ये गाना वहां पर गा रहे थे तो वहां पर फेमस पंजाबी सिंगर जैसे गिल भी मौजूद थे और उन्हें करण औजला के गाना काफी ज्यादा पसंद आया और उसके बाद उन्होंने करण औजला से कहा कि उन्हें उनका एक गाना काफी पसंद आया है और वह भी इस गाने को गाना चाहते हैं और उसके बाद उन्होंने करण औजला से इस गाने को खरीद लिया। ये सुनकर करण औजला काफी खुश हुए और इसी तरह इतनी छोटी उम्र में इनके लिखे हुए गाने लोगों के बीच काफी फेमस होने लगे और धीरे धीरे इनकी पहचान बड़े बड़े पंजाबी सिंगर से भी होने लगी। करण औजला ने इनके लिए भी काफी सारे गाने लिखे और अपनी 12वीं क्लास पूरी होने से पहले इन्होंने कई सारे पंजाबी सिंगर्स के लिए 50 से भी ज्यादा गाने लिखे, जिनमें से ज्यादातर गाने सुपरहिट साबित हुए और 12वीं क्लास पूरी होने के बाद ये कनाडा चले गए और वहां पर ये पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे। दोस्तों, करण औजला ने सोनम बाजवा के साथ हुए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वे कनाडा में स्टडी कर रहे थे तो उन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना नहीं आता था और ना ही उनका वहां पर कोई दोस्त था, लेकिन बाद में जब उन्होंने वहां के लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू किया तो उनके वहां पर कई दोस्त बनने शुरू हो गए और उन्हें इंग्लिश बोलना भी आ गया। इसके बाद उनकी मुलाकात फेमस म्यूजिक डायरेक्टर दीप जंडू और सिंगर एली मंगत से हुई और बाद में ये तीनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। करण औजला दीप जंडू को गाने लेकर दिया करते थे और दीप जंडू उन्हें गाकर रिलीज किया करते थे। करण औजला और दीप जंडू ने एक साथ मिलकर 20 से भी ज्यादा गानों में एक साथ काम किया और इनमें से ज्यादातर गाने सुपरहिट साबित हुए। दोस्तों, करण औजला ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहले वे केवल दूसरे सिंगरों के लिए ही गाना लिखा करते थे और उनसे गाने के लिए पैसे लेते थे, लेकिन दीप जंडू ने उनसे कहा कि तुम काफी अच्छा गाना लिखते हो और तुम्हें सिंगिंग फील्ड में भी उतरना चाहिए और इसी तरह इनके कई और दोस्तों ने भी इनका हौसला बढ़ाया।
गया और उसके बाद इन्होंने गाने गाने भी शुरू कर दिए। इनका पहला डेब्यू सॉन्ग था सेलफोन, जिसे इन्होंने अपने दोस्त मैक बेनिवाल के साथ मिलकर रिलीज किया था। लेकिन करण औजला के इस गाने पर केवल 2500 व्यूज आए थे और इसे काफी ज्यादा निराश हो गए थे। इसके बाद इन्होंने 2016 में अपना एक और नया सॉन्ग निकाला जिसका नाम था प्रॉपर्टी ऑफ पंजाब और ये उनके करियर का बतौर सिंगर पहला हिट गाना था। दोस्तों करण औजला को एक गीतकार के रूप में तो सब लोग जानते थे लेकिन उन्हें एक सिंगर के रूप में असली पहचान दिलाई थी उनके 2017 में आए सॉन्ग एल्कोहल ने। इस गाने को लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था और इसके बाद इन्होंने एल्कोहल 2, यारियां च फिक, सिट टॉक, अप एंड डाउन और लिफाफे आदि जैसे कई गाने गाए और ये सभी के सभी गाने सुपरहिट साबित हुए। डोंट वरी सॉन्ग में इन्होंने पहली बार मशहूर फीमेल पंजाबी सिंगर गुरलीन अख्तर के साथ काम किया था और डोंट वरी सॉन्ग इनके करियर का पहला ऐसा सॉन्ग था जिसने यूके एशियन म्यूजिक चार्ट में एंटर किया था। इसके बाद 2019 में आया इनका सॉन्ग हिंट इंडिया में लगभग 5 दिनों तक पहले नंबर पर ट्रेंड करता रहा और इसके अलावा ये सॉन्ग कनाडा में 9वें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया में 14वें नंबर पर, न्यूजीलैंड में 5वें नंबर पर और पूरी दुनिया में नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। और 2020 में आए इनके सॉन्ग झांझर को 24 घंटे में ही यूट्यूब पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए थे जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 2020 का साल इनके करियर के लिए काफी बढ़िया साबित हुआ क्योंकि इस साल इन्होंने जितने भी गाने गाए वे सभी के सभी गाने सुपरहिट साबित हुए। इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग थे चिट्टा कुर्ता, शेख, रेड डाइस, हां हैगे हां, क्या बात है वे जट्टा क्या बात है और गीता दी मशीन आदि। 2020 में इनके सॉन्ग शेख का ऑडियो और वीडियो दोनों इंटरनेट पर लीक हो गया था जिस कारण ये काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। कई लोगों का कहना था कि ऐसा इनके द्वारा सॉन्ग का प्रमोशन करने के लिए किया गया था क्योंकि जब इनका ये सॉन्ग इंटरनेट पर लीक हुआ था तो उसके कुछ सेकंड बाद ही ओरिजिनल सॉन्ग को भी रिलीज कर दिया गया था। खैर दोस्तों जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि 2020 में जो भी गाने गए थे वे सभी के सभी गाने सुपरहिट साबित हुए थे और इसी साल इन्होंने जल्दी दोसांझ की एल्बम गॉड के लिए भी एक गाना लिखा था जिसका नाम था सेम नेम और ये गाना भी एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग साबित हुआ था। इतना ही नहीं बल्कि ये पहला ऐसा पंजाबी सॉन्ग था जिसे न्यूजीलैंड के बिलबोर्ड चार्ट पर भी दिखाया गया था। तो दोस्तों ये तो थी इनके सिंगिंग करियर के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं इनके कंट्रोवर्सीज के बारे में। तो दोस्तों इनके सबसे फेमस कंट्रोवर्सी हुई थी मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले के साथ। दरअसल एक समय ऐसा था जब सिद्धू मूसेवाला और करण औजला काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और इन दोनों को मिलवाया था फेमस पंजाबी सिंगर एली मंगत और दीप जंडू ने। इन चारों ने काफी समय तक कई सारे प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम किया था लेकिन बाद में एली मंगत की करण औजला और दीप जंडू से लड़ाई हो गई और एली मंगत इन सब से अलग हो गए और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला भी दीप जंडू और करण औजला से अलग हुए थे। इसके बाद सिद्धू मूसेवाले के कई गाने लीक होने लगे जिस पर कई लोगों का कहना था कि करण औजला के मैनेजमेंट द्वारा ये किया गया है और इस प्रकार सिद्धू मूसेवाला और करण औजला के बीच लड़ाई शुरू हो गई और उसके बाद करण औजला ने अपने सॉन्ग लिफाफे में सिद्धू मूसेवाला को टारगेट किया जिसका रिप्लाई सिद्धू मूसेवाले ने अपने सॉन्ग वार्निंग शॉट में दिया था। इसके बाद इनकी ये लड़ाई बढ़ती गई और आज भी ये दोनों अपने सॉन्ग के माध्यम से एक दूसरे को टारगेट करते रहते हैं। और दूसरी कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी जिगरी दोस्त दीप जंडू के साथ और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब दीप जंडू ने अपने एक पोस्ट में करण औजला को टारगेट किया था और इसके बाद करण औजला ने भी इन्हें अपने इंस्टाग्राम पर रिप्लाई दिया था और बाद में इन दोनों ने एक दूसरे को बुलाना बंद कर दिया। इनकी तीसरी कंट्रोवर्सी भी थी फेमस पंजाबी सिंगर और लिरिसिस्ट अमृत मान के साथ और इसकी शुरुआत हुई थी सोनम बाजवा के शो दिल दिया गला से। दरअसल इस शो में सोनम बाजवा ने करण औजला से सवाल पूछा था कि वे फेमस लिरिसिस्ट से क्या सीखना चाहेंगे और जब उन्होंने अमृत मान का नाम लिया था तो करण औजला ने कहा था कि वे अमृत मान से कुछ भी नहीं सीखना चाहेंगे।
इसके बाद अमृत मां ने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी पोस्ट डाली जिसमें लिखा था, आजकल दे जुआ के रिप्लाई पाल दे, मुछा दे ग्रोथ लई दवाई पाल दे। इसमें उन्होंने सीधे सीधे करण औजला को टारगेट किया था और उसके बाद करण औजला ने भी उन्हें रिप्लाई दिया था। इनकी चौथी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जस माना के साथ और इसकी शुरुआत भी हुई थी सोनम बाजवा के शो दिल दिया गला से। दरअसल इस शो में सोनम बाजवा ने उनसे पूछा था कि वे फॉलोइंग सिंगर्स को कितने मार्क्स देना चाहेंगे और जब जस माना की बारी आई तो करण औजला ने कहा था वे जस माना को 10 में से 2 मार्क्स देंगे। इस पर जस माना के फैंस उनसे काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। तो दोस्तों ये तो थी इनकी कंट्रोवर्सीज, अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो दोस्तों करण औजला अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे, यही कारण है कि इन्होंने अपने पिता का टैटू अपने हाथों पर बनाया हुआ है। वहीं इनके मैरिटल स्टेटस की बात करें तो इनकी शादी इनकी गर्लफ्रेंड पलक से हुई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो ला सकूं। यदि आप बॉलीवुड के किसी अन्य कलाकार के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।